इसको चलते अगर वो अपना एक्सेस मनी आरबीआई के पास डिपॉजिट करता है तो आरबीआई क्या करेगा, उस पैसे पे कुछ इंटरेस्ट पे करेगा, उस इंटरेस्ट रेट को क्या बोलते हैं, डिपॉजिट रेट। अब ये दो प्रकार के, अभी तक आप एक प्रकार का पढ़ रहे थे, अब दो प्रकार का, दो ये टर्म है, ये मार्केट रिलेटेड टर्म है। मार्केट का मतलब होगा कैपिटल मार्केट की बात कर रहे हैं, ये सारे टर्म्स है मनी मार्केट के और ये दो टर्म्स है कैपिटल मार्केट के। अभी बस इतनी बात अपने को समझ लेनी है कि भैया ये मार्केट रिलेटेड टर्म है, डिपोजिट रिलेटेड टर्म है और ये लोन रिलेटेड टर्म है। क्लियर हुआ या नहीं? यह सुनो, रोहित तिवारी पूछ रहे एमएसएफ क्या होता है, बिल्कुल बताएंगे भैया, क्यों नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे नाराज नहीं हो जाओगे, बिल्कुल बताने वाले। अब देखो ये बहुत जरूरी है, अगर जिस बच्चे ने यहां पर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी समझ लिया उसका ये सेशन संपूर्ण हो गया। अब हमने आपको बताने ये दोनों, तो मैं सबसे पहले यहां लिखता हूं डिपॉजिट रेट्स, इससे चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। जब भी आरबीआई बैंकों से पैसा लेगा, मतलब इसका समझो लोन नहीं लेगा, इसको मैं और अच्छे तरीके से लिख देता हूं जिससे आपका कंफ्यूजन एकदम दूर हो। मैं लिख देता हूं, जब भी बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट करेगा तो आरबीआई बदले में क्या देगा, सिक्योरिटी देगा। क्यों भैया, अभी तक ट्रांजेक्शन तो ऐसे ही होता है, आप मुझे पैसा दोगे तो सिक्योरिटी लोगे कि नहीं लोगे, कि भैया आप एक काम करो अपनी गाड़ी के पेपर दे दो, घर के पेपर दे दो, कुछ ऑर्नामेंट दे दो, अंगूठी दे दो, कुछ ना कुछ तो दोगे, तब तो सिक्योरिटी रहेगी। तो जब बैंक से बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास डिपोजिट करेगा और आरबीआई देगा क्या उसको, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। क्या देगा बेटा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी देगा बैंकों को और बैंकों को उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बिहाफ पर आरबीआई से इंटरेस्ट मिल रहा है, बस इस चीज को समझ लो कि आरबीआई ने बैंकों का पैसा रखा, बैंकों को सिक्योरिटी दिया और बैंकों को सिक्योरिटी देने के साथ जब उनको पैसा मतलब वापस करेगी तो विथ इंटरेस्ट वापस करेगी, सिक्योरिटी वापस ले लेगी। क्लियर हुआ या नहीं? ये पूरी कंडीशन है किसकी, रिवर्स रिवर्स रेपो रेट की। इतनी बात समझ लो, अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी होगी तभी तो आरबीआई देगी, अब नहीं है तब तब तो यही तो टर्म लॉजिकल इन्वेंट किया है उर्जित पटेल साहब ने, यही तो 2016 में आरबीआई को रिकमेंड किया और 2016 में इसके एक्ट बनाए गए, एडिशनल एक्ट ऐड किया गया है। क्या एक्ट है अब उसको समझो, ये रेपो रेट हमने बता दिया, रिवर्स रेपो रेट बता दिया। दूसरा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, इसमें क्या होगा, जब भी बैंक अपना एक्सिस मनी आरबीआई के पास रखेगी तो इस केस में आरबीआई कोई भी सिक्योरिटी नहीं देगी, कोलेस्ट्रॉल कोई भी नहीं देगी, एक भी रुपया का शुक्ला सार सिक्योरिटी है ही नहीं आरबीआई के पास, होगी तो देगी ना, अब है नहीं और फिर भी उसको मॉनेटरी कंट्रोल करना है। कैसे मॉनेटरी कंट्रोल करना है, तो मेरा मॉनेटरी पॉलिसी का लेक्चर आपको लेना पड़ेगा कि कैसे मार्केट में पैसा फ्लो डाउन अप डाउन होता है, क्योंकि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के दो ही टर्म्स हैं, एक है रेपो मतलब लोन बैंक दे रही है और एक है रिवर्स रेपो, रिवर्स रेपो में आरबीआई लोन ले रही, मतलब आरबीआई डिपॉजिट ले रही है, पैसे का मेंटेन हो रहा। देखो एक बात को समझो, मार्केट में पैसा ज्यादा है, बहुत पैसा है, तो बहुत पैसे को कंट्रोल करने के लिए रेपो बढ़ा दो, रेपो बढ़ाने का मतलब है बैंक आरबीआई से लोन ले रही है, अब लेना बंद कर देगी। दूसरा रिवर्स रेपो भी बढ़ा दो, इससे बेनिफिट क्या होगा, जो बैंकें मार्केट को लोन बांट रही थी वो लोन बांटना बंद कर देगी। एकदम समझ लो, क्लियर नॉट, समझ आया या नहीं भैया, अटक गया है तो नहीं अटका है।